दोस्तों उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अब तीरथ सिंह रावत बनने जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में हम आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में सारी बातें सारी कहानी बताने वाले हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना सीएम बदल लिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने का पार्टी ने फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि 4 साल पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से आए सतपाल महाराज के लिए तीरथ सिंह रावत का टिकट काट दिया था। इसके बावजूद उन्होंने ना तो पार्टी छोड़ी और ना ही पार्टी से बगावत की, बल्कि सतपाल महाराज को जिताने में अहम भूमिका अदा की। इसी का नतीजा है कि बीजेपी ने उन्हें पहले लोकसभा का टिकट दिया और अब सीएम का ताज ही सौंप दिया। तीरथ सिंह रावत भले ही संघ से जुड़े रहे हैं और एबीवीपी से सियासी सफर उन्होंने शुरू किया हो, लेकिन सियासत में बीएस खंडूरी की उंगली पकड़कर आगे बढ़े हैं। खंडूरी पौड़ी गढ़वाल सीट से जब भी लोकसभा चुनाव लड़े तो तीरथ सिंह रावत ने उनके चुनाव संयोजन की जिम्मेदारी संभाली। 90 के दशक से बीएस खंडूरी और तीरथ सिंह रावत के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर एक दूसरे के राजनीतिक खेवनहार बन गए। 1997 में बीएस खंडूरी ने तीरथ सिंह रावत को एमएलसी का टिकट दिलाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था, जिसके बाद वो जीतकर विधान परिषद पहुंचे थे। खंडूरी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे और साल 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। ऐसे में बीजेपी की राज्य में सरकार बनी तो नित्यानंद सीएम बने, जिसमें खंडूरी की पैरवी पर ही रावत को कैबिनेट में शामिल किया गया था। साल 2008 में परिसीमन के बाद चौबट्टा खाल सीट वजूद में आई। 2012 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी से तीरथ सिंह रावत मैदान में उतरे थे। विधानसभा बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हार गए थे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रहे बीएस खंडूरी भी अपनी सीट नहीं जीत सके थे। ऐसे माहौल में तीरथ सिंह रावत चौबट्टा खाल से विधायक चुने गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय सतपाल महाराज के बीजेपी में आने से तीरथ सिंह रावत का सियासी समीकरण बिगड़ गया। सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल सीट से टिकट की दावेदारी कर दी, जिसके चलते 2017 के विधानसभा चुनाव में तीरथ सिंह रावत का टिकट कट गया। हालांकि पार्टी ने संगठन में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी और हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बना दिया। तीरथ सिंह ने चौबट्टा खाल सीट पर सतपाल महाराज को जिताने में अहम भूमिका अदा की। तीरथ सिंह रावत की केंद्रीय राजनीति में अभी पहुंचे हुए 1.5 साल ही गुजरे थे कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीएम की कुर्सी से छुट्टी कर दी, जिसके बाद राज्य की सत्ता की कमान लेने वाले नेताओं में कई दिग्गज के नाम चल रहे थे। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने संघ की पृष्ठभूमि के साथ साथ संगठन और सरकार के अनुभव को देखते हुए तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाने का फैसला किया। 4 साल पहले विधानसभा का टिकट नहीं मिला था और अब पूरे राज्य की कमान पार्टी ने उन्हें ही सौंप दी है।